फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंस्टीमेट से पेज को मोनेटाइज करना है तो आपको बस इंस्टीमेट में जाने के बाद आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करने से नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है कि उसके आगे आपको क्या करना है, क्योंकि पहले क्या था कि आप डायरेक्टली जाते थे सी डैशबोर्ड में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सी डैशबोर्ड में आप जाते थे। उसके बाद नीचे में अगर स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का एक टूल्स दिखाई देता है, और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का टूल्स दिखाई देता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अगर नीचे जाओगे तो फिर से आपको क्या होगा कि इंस्टीमेट वाला यहाँ पे एक टूल्स और दिखता है, जो जिससे कि आप अपने पेज को इंस्टीमेट से मोनेटाइज करते हो। यहाँ पे आप क्लिक करते थे, देखो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते थे तो यहाँ पे देखो कि फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सबमिट आपको करना है। सबमिट करने के आगे भी आपको कुछ करना होता है, नहीं तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। बस आप कंटेंट को डालते रहो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। इस वीडियो को जब आप देखोगे, जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ उसको आपको एक बार फॉलो कर देना है, यानी कि अप्लाई कर देना है अपने फेसबुक पेज के ऊपर में, तब आपको मोनेटाइजेशन का जो यहाँ पे तीनों का जो दिया हुआ कि परफॉर्मेंस बोनस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, यहाँ पे दिया हुआ कि इनस्ट्रीम एड्स, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस और एड्स ऑन रील्स, ये तीनों मोनेटाइजेशन टूल्स आपको मिल जाएंगे जब आपका पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। वही 5000 जो फॉलोअर्स वाला क्राइटेरिया है और 60000 मिनट वाले जो क्राइटेरिया है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे आपको आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे लिखा होता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है कि मैं फेसबुक से अर्निंग कर सकूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपको बताना होता है। उसके आगे यहाँ पे आपको लर्न मोर बटन पे क्लिक करना है। लर्न मोर बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक फेसबुक का जो हेल्प सेंटर वाला वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल के आएगा। देखो कि यहाँ पे ये खुल के आ गया है, और यहाँ पे आपको इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ लेना है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन यहाँ पे बेटा प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे इस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है कि यहाँ पे क्लियर करी गई है कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा, यहाँ पे फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन का बेटा का एक नया प्रोडक्ट आया है, बेटा टूल से आप जो है आप अपने एक ही जगह कई सारे अर्निंग फोटो पोस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हो, रील से भी कर सकते हो, बोनसेस से भी कर सकते हो, साथ ही इंस्टीमेट से भी कर सकते हो। तो बस फेसबुक को आपको बताना होता है कि यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी आपको क्लिक करके आप अपने फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डालना होता है। जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखोगे तो आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है नीचे आप स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि हाउ डू आई ज्वाइन, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि इसको ज्वाइन कैसे करना है ये बताया गया कि सिंपल टू अर्न, उसके बाद मोनेटाइज मोर कंटेंट, उसके बाद नीचे जाओगे तो मोर एफिशिएंस इनसाइट्स, ये सब आपको सुविधा मिलेंगे। जब आपको ये बेटा प्रोग्राम मिल जाएगा तो ये आपको सुविधा मिलेंगे, ये यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा हुआ। उसके बाद नीचे जाओगे मोनेटाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करी जा रही है कि विथ मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट यू कैन अर्न मनी ऑन वीडियो रील्स फोटोज टेक्स्ट पोस्ट, ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स टू सी व्हाट्स रिजोनेट विथ योर ऑडियंस एंड ड्राइवर्स अर्निंग। उसके बाद यहाँ पे जो और भी दिए हुए हैं कि इफ़ यू आर एंड ऑलरेडी स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विथ रील्स, रील्स आर बेस्ट वे टू डिस्कवर बाय न्यू ऑडियंस। तो ये तो सभी जानते हैं कि रील्स ही जो है डिस्कवर करने के, नए ऑडियंस के पास पहुँचने के लिए रील्स बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर आपको जल्दी में अपने पेज को वायरल वगैरह, फॉलोअर्स को कंप्लीट वगैरह करना है तो आपको रील्स रेगुलर डालना चाहिए। उसके बाद ये जो है इसको आपको ध्यान में रखना, ये ओरिजिनल कंटेंट वालों के लिए, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाते हो, कॉपी पेस्टेड का यूज करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ओरिजिनल जो कंटेंट बनाते हैं ये उसके लिए है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या आपको करना है कि सब कुछ इसको पढ़ लेना। पहले पार्टिसिपेट कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज यहाँ पे दी गई है उसे आपको देखना होगा। यहाँ पे देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ कि हु इज एलिजिबल फॉर द फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा। तो बेटा के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए कौन एलिजिबल है, यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वी आर सेंडिंग इन्विटेशंस टू 1 मिलियन क्रिएटर ऑलरेडी, यानी कि 1 मिलियन क्रिएटर के पास ऑलरेडी इन्होंने इन्वाइट से जो है इन्विटेशन सेंड कर दी गई है। मोनेटाइजिंग ऑन फेसबुक टू ज्वाइन द बेटा एंड विल कंटिन्यू सेंडिंग मोर इन्विटेशंस इन द फॉलोइंग मंथ्स।
तो जो ये खुद ब खुद जो या वो देखो ऑलरेडी मोनेटाइजिंग जो जिसका फेसबुक पेज है जो वी आर सेंडिंग इन्विटेड टू 1 मिलियन क्रिएटर ऑलरेडी मोनेटाइजिंग ऑन फेसबुक टू ज्वाइन द बेटा। तो जो पहले से ऑलरेडी जिसका पेज मोनेटाइज है ये उसके लिए है। तो देखो स्टार से यहाँ पे ये क्लियर नहीं करे गए कि स्टार से मोनेटाइज होना चाहिए कि या इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होना चाहिए, किससे मोनेटाइज होना चाहिए ये यहाँ पे क्लियर नहीं करी गई है। तो यहाँ पे ये अगर नीचे में देखोगे तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिए है, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना। नीचे पे भी जब आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे बेटा के बारे में यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड में जाके उस लिंक को आप पेस्ट कर सकते हो। नीचे और भी यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है अनाउंसमेंट वगैरह के बारे में, इंट्रोड्यूसिंग फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और भी आर्टिकल दिए हुए अगर इसको आप क्लिक करते हो तो और भी आपको यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अब देखो कि यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज के लिंक को कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले क्या करना कि आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक नया फिर से एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे आर्टिकल में तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा इंटरेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म आपको भरना होगा कि बेटा के लिए आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्म आपको भरना होता है। अगर इस फॉर्म को आप भरते हो तो आपको फिर जब भी आपके क्राइटेरिया वगैरह क्राइटेरिया जो इनस्टिंग वेट वाला है कंप्लीट हो जाता है। स्टार से तो ऑलरेडी सबका पेज बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, इनस्टिंग वेट वगैरह से सब कुछ जब फेसबुक को लगेगा कि हाँ इसको जो ये भेजना चाहिए तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया तो कंप्लीट करना ही होता है। क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो फेसबुक का तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट वालों के लिए, तो मैं अब ज़्यादातर जो कोशिश करूँगा ओरिजिनल कंटेंट जो बनाते हैं उसके बारे में उसका हेल्प करने के लिए उसी के बारे में ज़्यादातर मेरे वीडियोज आएंगे। तो ये वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच जो भी इसे अर्निंग करना चाहते हैं फेसबुक से, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो शेयर बटन पर क्लिक करो और शेयर कर दो अपनी प्रोफाइल पर ताकि सबकी हेल्प हो सके। और यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, जिस भी आईडी जिस भी ईमेल एड्रेस से आपने फेसबुक अकाउंट को बनाया है यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि नीचे में यहाँ पे दिया हुआ कि आपको नीचे में फेसबुक अकाउंट का यूआरएल डालना है। उसके बाद अदर सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पे डालना चाहो तो ये भी डाल सकते हो। और तीनों बॉक्स को यहाँ पे देखो भर देना है आपको, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे लिखो और यहाँ पे आप अपने फेसबुक के जो भी आपके यूआरएल है वो यहाँ पे आपको भरना है। अदर पेजेस के अदर सोशल मीडिया के यूआरएल वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे फॉर्म भरना कैसे विजिट करना, आपने अगर शुरू से वीडियो को फॉलो किया तो आपको पता होगा। हम बैक चलते हैं, देखो कि यहाँ पे विजिट करोगे लर्न मोर पे जाओगे और उसके बाद लर्न मोर पे जाने के बाद नीचे जाओगे यहाँ पे भी आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे दिख जाएगा सबसे ऊपर में ही, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी वहीं पे यहाँ पे आप विजिट करोगे। और नीचे भी अगर आर्टिकल को भी आप पढ़ते हुए नीचे जाओ तो भी आपको वहीं विजिट करेगा, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हो आई एम इंटरेस्टेड पर तो भी आप वहीं पे विजिट करोगे। तो कैसे विजिट करना आपने देख लिया कि यहाँ पे आपको अपने ईमेल को लगाना है जिस ईमेल से आपने फेसबुक अकाउंट को बनाया है, उसके बाद वो पेज को उस पेज का लिंक को लगाना जिस पेज पे आप जो है बेटा प्रोग्राम लेना चाहते हो अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो अब मान लो कि मैं इस पेज के पेज को लगाना चाहता हूँ, ये जो मेरा पेज है इस पेज को लगाना चाहता हूँ, तो कैसे हम लिंक वगैरह कॉपी करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे हम। सबसे पहले देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे नीचे में देखो कि सबसे नीचे में आपका जो फेसबुक पेज का लिंक है यहाँ पे आपके फेसबुक पेज के जो भी लिंक होंगे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो कि हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे कॉपी लिंक बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद यहाँ पे देखो हम जाते हैं नोटपैड में, इसको क्या करेंगे हम पहले सेव कर लेंगे, हम यहाँ पे नोट्स में सेव कर लेते हैं, एक नया नोट्स बनाएंगे हम। और यहाँ पे देखो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि इसको मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि हमको वहाँ पे फिर से बैक करके जाके उसे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, देखो हमने जो है यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर दिया। अब डायरेक्टली कहाँ जाएंगे हम, अदर सोशल मीडिया के लिंक वगैरह को अगर डालना चाहते हो, दूसरा पेज वगैरह को डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो उसका मान लो कि नहीं डालना है तो दूसरा अदर सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ कि यूट्यूब का लिंक वगैरह अगर आपके पास यूट्यूब चैनल वगैरह का है या फिर पिंटरेस्ट का है या फिर लिंक्डइन का अकाउंट का है, कोई भी अगर अदर सोशल मीडिया का है, कोई भी हो जो एक्स वाई जेड कोई भी सोशल मीडिया का होना चाहिए लिंक अगर आपके पास और भी है तो वो भी आप डाल सकते हो।
देखो लिंक को कॉपी किया और सी डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा और उसी तरह से फिर से मैं जाऊंगा मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद वही इन स्ट्रीम एड में हम यहाँ पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद यहाँ पे लर्न मोर पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी इसका यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड में जाएंगे और यहाँ पे हम अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैंने जो कॉपी किया है यहाँ से फिर से हम मिनिमाइज करके इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी आएगा, हम कॉपी कर लिए, फिर से मिनिमाइज करके हम जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो है ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो कुछ अदर अलग से यहाँ पे कुछ लग चुके हैं जो आगे में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखो जो भी लिंक आया है यहाँ पे अगर हम देखें पेज में अच्छी तरह से, आपको चाहे आप पीसी ब्राउजर में जाके जाओ लिंक को कॉपी करो या फिर डेस्कटॉप मोड में जाके लिंक को कॉपी करो, किसी भी तरह से आपको अपने लिंक को कॉपी कर लेना है जिस भी ईमेल आईडी से आपने फेसबुक अकाउंट यानी कि आप अपने आईडी को बनाया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको अप्लाई बटन जो भी होगा यहाँ पे देखो सबमिट का बटन होगा या फिर अप्लाई का होगा। यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, नीचे में जाऊँगा मैं, आई एम इंटरेस्टेड पे जाऊंगा। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको क्या करना है कि भर देना है दोनों में। यहाँ पे आप अपने ईमेल को भरो, यहाँ पे अपने फेसबुक पेज के यूआरएल को भरो, अदर सोशल मीडिया है तो उसको भी भर दो। लेट्स डू दिस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपका जो है फॉर्म रिसीव कर लिया जाएगा। उसके बाद जब भी आपका क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट होता है तो आपको जो है इन्विटेशन सेंड कर दी जाएगी, आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी या फिर आपके फेसबुक अकाउंट में भी दिख सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, तो आपको सबमिट पे क्लिक करते ही थे और साथ ही आपको आगे में भी करना होता है। यहाँ पे अगर देखो कि सब मेरा जो सब्सक्रिप्शन से जो हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो सब्सक्रिप्शन को कैसे मोनेटाइज करना, कैसे इसको सेटअप वगैरह करना है, यहाँ पे देखो लेट योर ऑडियंस सपोर्ट योर वर्क विथ मंथली पेमेंट। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब मंथली आपके सब्सक्रिप्शन कोई लेता है आपके पेज का तो आपको मंथली पेड करेंगे आपके ऑडियंस, इससे भी आपको अर्निंग होती है। अर्निंग करने के कई सारे तरीके हैं, तो एक ये भी है सब्सक्रिप्शन भी आपके ले सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब में आपका ज्वाइन बटन होता है कि आपके चैनल को ज्वाइन करके मंथली पेड करके आपके चैनल के प्राइवेट वीडियो को देख सकता है, उसी तरह से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में भी ऐसा ही है। तो हम इसको किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि कैसे आपको सेटअप करना है अपने इंस्ट्रीमेट के लिए, अपने फेसबुक पेज को क्या क्या करना होता है, तो मैंने इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।